बच्चे वीडियो पॉज करो, इसको सॉल्व करने की कोशिश करो। देखो कोफिशियंट ऑफ परफॉर्मेंस अब रेफ्रिजरेटर 5 है। रेफ्रिजरेटर का बीटा हम लोगों को पता है 5 है, और इसका बीटा कैसे डिफाइन करते हैं, हीट एक्सट्रैक्टेड, ये होता है रेफ्रिजरेटर। ये हम लोगों के पास फ्रिज है, सबसे सिंपल सबसे सस्ता। यहाँ से T1 ये T2 पर होता है, और ये हीट Q2 होता है, और ये T1 होता है, और ये Q1 होता है, ये हॉट होता है और ये कोल्ड होता है। ये वो मटेरियल होता है वो फ्रिज के अंदर, जहाँ हम सब्जी ठीक है आलू गोभी यहाँ रखते हैं, और ये रूम है हमारा, इसमें हम मज़े करते रहते हैं। यहाँ इस पर वर्क डन हो गया, तो वर्क डन हो गया तो यहाँ से हीट निकाला जाएगा और रूम को ट्रांसफ़र किया जाएगा। अब आपको पता है कि ये लो टेम्परेचर पे होता है, हाई टेम्परेचर पे होता है, तो -20 डिग्री सेल्सियस किसका टेम्परेचर है, T1 का है कि T2 का है? ऑब्वियसली कॉमन सेंस की बात है T2 का है भाई, T2 आ गया -20 डिग्री सेल्सियस, और इसमें 273 ऐड कर दोगे तो आ जाएगा 253 केल्विन, दैट इज द T2। ठीक है, हमेशा केल्विन में ही इसको लिखते हैं। बीटा को कैसे डिफाइन करते हैं, हीट एक्सट्रैक्टेड, हीट एक्सट्रैक्टेड अपॉन द वर्क डन, ये होता है। अब वर्क डन का जो फार्मूला होता है, बीटा इज इक्वल टू Q2 अपॉन W, या Q2 इज इक्वल टू Q1 माइनस Q2, टेम्परेचर के टर्म में लिखोगे तो T2 और T1 माइनस T2 दैट इज इक्वल टू 5, ये दिया हुआ बीटा। T2 253 है, यहाँ से मुझे T1 पता चल जाएगा, तो 253 T1 माइनस 253 इज इक्वल टू 5, इसका मतलब ये हुआ कि 5T1 माइनस 253 मल्टीप्लाइड बाई 5 इज इक्वल टू 253, तो T1 इज इक्वल टू 253 प्लस 253 मल्टीप्लाइड बाई 5 डिवाइडेड बाई 5, ये सब कैलकुलेट करना है, तो T1 की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 303.6 केल्विन। लेकिन हमारा जो सोल्यूशन है वो एक्चुअली डिग्री में दिया हुआ, डिग्री सेल्सियस में दिया हुआ, देखना डिग्री सेल्सियस में दिया हुआ, तो जो हमारे पास ये वैल्यू आई 303 केल्विन, ये इसको मैं कन्वर्ट कर दूंगा डिग्री सेल्सियस में, तो T1 इज इक्वल टू, इसमें जोड़ दो T1 इज इक्वल टू 273 माइनस कर दो इसमें प्लस 3.6 इज इक्वल टू 30.6, अप्रॉक्सीमेटली 31 डिग्री सेल्सियस, तो 31 डिग्री सेल्सियस आ जाएगा, मतलब हम लोग का सी ऑप्शन सही है। चलो नेक्स्ट।